मैं हूँ रियाज शिकर, आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल। आज है जुमा और जुमे की नमाज के बाद रखा गया था। रामगिरी ने जो हुजूर के पर टिप्पणी की है प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके विरोध में नागपुर के ऑटोमेटिक चौक पर हजारों लोग इस वक्त मौजूद है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेड लगा दिया गया है और पुलिस यहाँ पूरे बंदोबस्त के साथ में यहाँ है। कंट्रोल नहीं हो पा रही थी पब्लिक, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी। मैं आपको लेके चलूँगा, या देखिए आपके किस तरह से पुलिस का यहाँ कड़ा बंदोबस्त रखा गया है और विरोध किया जा रहा है उस रामगिरी का जिन्होंने हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की। और ये नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका विरोध जताया जा रहा है। आज का धरना जो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोकोमोटिव चौक के ऊपर में रखा था, उसका मकसद था कि जो गंगागिरी महाराज जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में हमला किया, उनकी नामोस रिसालत पर हमला किया, और ये हमला इतना खतरनाक था कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया, इससे ये हमने शासन प्रशासन को चेताया है कि देख लो, अगर आप इसको अरेस्ट नहीं करते और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देते तो इंशाल्लाह आने वाले जुमे तक या उसके बाद जो है फिर से धरना प्रदर्शन का ऐलान होगा। अगर मुख्यमंत्री उसके साथ खड़ा है तो मुख्यमंत्री को भी जवाब दिया जाएगा। आने वाले चुनाव के अंदर में शिंदे को भी जवाब दिया जाएगा, इसके लिए तैयार रहो। तो जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है और 3 बजे के बाद में जो प्रोटेस्ट रखा गया था रामगिरी के विरोध में हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने के बाद देश में पूरा माहौल जो है वो गर्म बताया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि औरंगाबाद में सबसे पहले ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में होने लगा है। फहीम भाई मेरे साथ हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का प्रोटेस्ट था वो कैसे विरोध उसका जताया गया। फहीम भाई, आज जो जुमे की नमाज बाद में जो विरोध था रामगिरी के खिलाफ में, क्या लगता है आपको, किस तरह से आपने विरोध प्रदर्शन? देखिए, हमने जो आज पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, थोड़ा सा चक्का जाम भी हुआ, लेकिन हमें महाराष्ट्र के लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई कि एक मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की निठल्ली सरकार ऐसे गुस्ताख के साथ अपनी गोद में बैठा कर रखी है। लेकिन हम इस महाराष्ट्र की निठल्ली सरकार को भी चेताते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, ये हमारे नबी की नामुस का मसला है। हम जो है FIR के लॉलीपॉप से मानने वाले नहीं हैं। हमें पता था FIR हो चुकी है, लेकिन ये FIR के लॉलीपॉप मुसलमान कई दिनों से लेते हुए आ रहे हैं। हम इस लॉलीपॉप के जरिए खामोश होने वाली कौम नहीं है। अब इंशाल्लाह आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया, इससे ये हमने शासन प्रशासन को चेताया है कि देख लो, अगर आप इसको अरेस्ट नहीं करते और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देते तो इंशाल्लाह आने वाले जुमे तक या उसके बाद जो है फिर से धरना प्रदर्शन का ऐलान होगा। आज का धरना जो माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी ने लोकोमोटिव चौक के ऊपर में रखा था, उसका मकसद था कि जो गंगागिरी महाराज जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में हमला किया, उनकी नामोस रिसालत पर हमला किया, और ये हमला इतना ख़तरनाक था कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारे जितने भी लोग हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, जो नबी को चाहने वाले लोग हैं, उनमें गुस्सा था, पूरे देश में गुस्सा फैल चुका है। और उसके लिए हमने यहाँ पर मैं प्रदर्शन रखा, और हमारी मांग है कि गंगागिरी को गिरफ्तार करें। हमारा मकसद FIR नहीं, FIR तो बहुत पहले हो गई है, FIR से मकसद नहीं, गंगागिरी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो। इसके नीचे हम ये डिमांड, ये हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर के जो हालात बिगड़ेंगे उसके लिए शासन प्रशासन और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, इसके लिए हमारी कौम जिम्मेदार नहीं होगी। लाख केसेस लगा लो, आज हमारे ऊपर केस लगा दिया गया है, और इसके पहले भी जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ संवैधानिक नज़रिया जो है, एक कौम को एक नज़र से देखा जाता है, दूसरी कौम को दूसरी नज़र से। कोई कुत्ता कितना भी भौंक के निकल जाए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वीडियो बनाने वाले वीडियो करें और रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिंग करें, और अंदाज देखें, मैं बता रहा हूँ आपको अंदर। अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा था, क्या कहा था, कि जब नबी की बात आ जाए तो ना दिमाग को ठंडा रखो, जब नबी की बात आ जाए तो दिमाग को ठंडा नहीं रखना। ये आंदोलन इसके बाद भी चलेगा, अगले वक्त हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और बेमुद्दत बैठेंगे, और जब तक वो अरेस्ट नहीं होता तब तक हम रुकेंगे नहीं। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी और अहले सुन्नत वल जमात
इसको रोकेगी नहीं बिल्कुल किसी भी हाल के अंदर। और ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम्हारा जो हमले हो रहे हैं, ये चुनाव के सामने हो रहे हैं, तुमने जानबूझ करके कराया है। तो याद रखो, अगर प्रजा, अगर मुख्यमंत्री उसके साथ खड़ा है तो मुख्यमंत्री को भी जवाब दिया जाएगा। तो दो चश्मा है ना, अगर हमारे इमाम, हमारे मुफ्ती साहब एक शेर बोल दे तो 6 महीना बेलना हो, और अगर अपने मुंह से गोबर भी कर दे तो इनको संरक्षण मिल जाता है, सरकारी प्रोटेक्शन मिल जाता है, हमारे टैक्स के पैसों से इनको प्रोटेक्शन मिलता है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो शासन प्रशासन को भी जानना चाहिए कि उनको संविधान के दायरे में रह के काम करना चाहिए, किसी निठल्ली सरकार की गुलामी में नहीं। हम उनको भी, उनसे भी अपील करते हैं कि आपको जो है शासन और प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, ना कि इनकी गुलामी करने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले चुनाव के अंदर में शिंदे को भी जवाब दिया जाएगा, इसके लिए तैयार रहो। अगर वो राजनीति कर रहा है तो राजनीतिक जवाब भी हमारे तरफ से जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात मुर्दा नहीं है, अब जग गई है। तुमने सुला के रखा था, अब हम सोने नहीं देंगे, और हमारा एक एक नौजवान नबी के इसके ऊपर मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, बिल्कुल तैयार है, समझ लीजिए आप। इसको रोको, ऐसे लोगों को कि जो नबी के ऊपर में हमला कर रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से इनको अगर संरक्षण मिलेगा तो फिर याद रखो हम रोड पे नजर आएंगे। और यही रास्ता नहीं, पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया जाएगा, पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से फिर से अपील कर रहा हूँ, अभी भी तुमको चेता नहीं रहा हूँ और नहीं धमका रहा हूँ, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने जिस तरह से गंगागिरी के अपना संरक्षण दिया है, उसे जेल में डालो, FIR करके हमको बेवकूफ मत बनाओ। हम बनने वाले नहीं है, वो दलाल लोग होंगे जिनको FIR का होने पे वो घर जाएंगे, हम तो सिर्फ अंदर जाने के बाद घर जाएंगे। और ये आंदोलन आगे भी चलते रहेगा। मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत के जो नबी के चाहने वाले हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि ये इसी तरह से हमले होंगे, वफ के ऊपर हमले होंगे, तुम्हारे नबी पे हमले होंगे, तुम्हारे मस्जिद पे हमले होंगे, लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं आने वाला, बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। गजापुर मस्जिद के ऊपर में कोई बचाने नहीं आया, जिसने तुमको वोट दिया वो मुंह छुपा के भाग गया। तुम्हारी ताकत नहीं होने की वजह से ये बेईमान लोग तुम पे हमले कर रहे हैं। जिस दिन पॉलिटिकल ताकत अपने वोट अलग कर लोगे, उस दिन तुम्हारे पे हमले भी बंद हो जाएंगे, और फिर किसी की माने नहीं जाना होगा कि वो नबी के ऊपर में हमला कर सके।